गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको आपके हिंदी की बुक मंथन से पार्ट 11 सोना पढ़ाऊंगी। सोना जो है एक हरिण के बच्चे का नाम है। लगभग मृत अवस्था में प्राप्त हुए एक हिरण के बच्चे को लेखिका ने जीवन दान दिया और आसपास के परिवेश में घुल मिल गया। अचानक हुई उसकी मृत्यु से सभी दुखी थे। सोना के ऊपर लेखिका के संस्मरण पढ़कर जानिए कि उसका जीवन कैसा था। यानी यहाँ जो है ये पाठ जो है सोना, ये सोना के बारे में लेखिका ने यहाँ लिखा है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इसको। सोना अचानक आई थी, परंतु वह अब तक अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी। मतलब सोना जो है अचानक मिली थी। सोना, जैसा कि मैंने बताया आपको, हिरण के बच्चे का नाम था, तो वो अचानक किसी को मिली थी जो अपने बचपन के ही अवस्था में थी। सुनहरे रंग का रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था। छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें देखती तो लगता था कि अभी छलक पड़ेंगी। लंबे कान, पतली सुडौल टांगे, जिन्हें देखकर ही प्रसुप्त गति की बिजली की लहर देखने वालों की आंखों में कौंध जाती थी। सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपक वर्णा रूपसी के लिए उपयुक्त सोना, सुवर्णा आदि नाम उनका परिचय बन गया। यानी सोना जो थी वो बहुत छोटी सी हिरण की बच्ची थी, जिसकी आंखें पानीदार यानी चमचमाती चमकती हुई आंखें थी, छोटा सा शरीर था कोमल, जिसके लंबे कान, पतली टांगे थी। उसको देखते ही सब प्रसन्न हो जाते थे, प्रफुल्लित हो जाते थे। इतना सब उससे इतना प्रभावित हुए कि उसको देखकर उसके लिए तरह तरह के नाम सोचने लगे, जैसे रूपसी, सोना, सुवर्णा आदि। परंतु उस बेचारे हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिससे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। बेचारी सोना भी मनुष्य की निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य परिवेश और स्वजाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी थी। मतलब हरिण के उस बच्चे की कथा ऐसी व्यथा कथा है, मतलब ये तो बेचैन करने वाली कथा है, जिससे कि मनुष्य की निष्ठुरता झलकती है। सोना मनुष्य की निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण, यानी निष्ठुरता के कारण, वो अपने परिवेश यानी रहन सहन से और अपने स्वजाति यानी अपने जाति से दूर हो गई थी। मानव समाज में दूर होकर, अपने स्वजाति से दूर होकर वह मानव समाज में रहने पर मजबूर थी। प्रशांत वनस्थली में जब अलस भाव से रोमंथन करता हुआ मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा, यानी जब हिरण समूह जो था वहाँ, ये सोना, उसकी माँ या उसके और स्वजाति वहाँ पे जैसे जंगल में विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे, अचानक वहाँ पे एक शिकारियों की आई आहट, जिसके कारण वो भागने लगे। तब सोना की माँ सदैव प्रसूता होने के कारण, यानी सोना की माँ जो थी, अभी तुरंत ही उसने सोना को जन्म दिया था, जिसके कारण वह बहुत ही कमजोर थी और भागने में असमर्थ थी। सदैव जात मृग शिशु तो भाग नहीं सकता, अतः मृगी माँ ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में अपने प्राण त्याग दिए। यानी शिकारियों के उनके तरफ बढ़ते कदम को देखते हुए मृगी माँ ने सोचा कि मैं तो भाग नहीं सकती और मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है, वो भी भाग नहीं सकता। तो उस मृगी माँ ने क्या किया कि अपने संतान यानी अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे अपने शरीर की ओर से यानी अपने शरीर के नीचे छुपा लिया और उसको सुरक्षित रखते हुए उसको बचाते हुए अपने प्राण त्याग दिए। यानी उन शिकारियों की वो शिकार हो गई। सुष्मिता वसु के समान ही किसी बालिका को मेरा स्मरण हो आया और वह उस अनाथ शावक को मुसुर्द अवस्था में मेरे पास ले आया। यानी सुष्मिता वसु जो था उसको अचानक मतलब लेखिका का ख्याल आया और उस अधमरे अनाथ यानी अनाथ शावक को यानी हिरण के बच्चे को उनके पास ले गए। उसके बचाने की आशा भी धूमिल थी, मतलब उसको बचाने की कोशिश
जैसे लग रहा था बेकार है, वो ऐसी स्थिति में थी जिसे देखकर लग रहा था कि वो नहीं बचेगी, परंतु मैंने उसे स्वीकार कर लिया। स्निग्ध सुनहले रंग के कारण सब उसे सोना करने लगे, लेकिन लेखिका ने उसको स्वीकार किया और उसको बचाने की पूरी कोशिश करने लगी। और उस हिरण के बच्चे का रंग सुनहरा था, इसके कारण उसे सब सोना कहने लगे। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके उसे पिलाने का कठिन अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। यानी उस बच्चे को बचाने के लिए उसके लिए दूध की बॉटल, ग्लूकोज और बकरी का दूध का इंतजाम होने लगा कि वो बच जाए। उसने रात में मेरे पलंग के पास सट कर बैठना सीख लिया था, पर वहां गंदा न करने की आदत कुछ दिनों के अभ्यास में पड़ सकी। अंधेरा होते ही वह मेरे पलंग के पास आ बैठती और फिर सवेरा होने पर वह बाहर निकल जाती। लेखिका कहती है कि रात में जो हिरण का बच्चा था वो उनके पलंग के पास सट कर बैठना सीख लिया था, वो बैठ जाता था वहां जाकर। और वहां लेकिन उसे जो वो जो गंदा कर देता था उसकी जो आदत थी वो धीरे धीरे अभ्यास के बाद गई उसे, और सुबह होते ही फिर वह बाहर निकल जाती। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित था। विद्यालय और छात्रावास के विद्यार्थियों के बीच पहले वह कौतुक का कारण बनी, परंतु कुछ ही दिन बीते जाने पर वह उनकी ऐसी प्रिय साथिन बन गई जिसके बिना उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। यानी उस हिरण के बच्चे का दिन भर का कार्यकलाप जो था वो निश्चित था। विद्यालय और विद्यालय में रहने वाले बच्चों की वो पहले तो वो उनके बीच में वो मतलब चर्चा का विषय बनी रही, लेकिन कुछ दिन बीतते ही वह उनकी प्रिय साथी बन गई और वो उस छात्रावास के बच्चों का काम उसके बिना किसी काम में उन लोगों का मन ही नहीं लगता था। दूध पीकर और भीगे चने खाकर सोना, कुछ देर कंपाउंड में चारों पैरों को संतुलित कर चौकड़ी भरती, फिर वह छात्रावास पहुंचती और प्रत्येक कमरे का भीतर बाहर निरीक्षण करती। सवेरे छात्रावास में विचित्र सी क्रियाशीलता रहती और कोई छात्रा हाथ मुंह धोती है, कोई बालों में कंघी करती, कोई अपनी मेज की सफाई करती, कोई स्नान करके पीछे कपड़े सुखाने के लिए फैलाती और कोई पूजा करती। सोना के पहुँचाने पर इस विविध कर्म संकुलता में एक नया काम और जुड़ जाता था। कोई छात्रा उसके माथे पर कुमकुम का बड़ा सा टीका लगा देती, कोई पूजा के बतासे खिला देती। यानी छात्रावास में रहने वाले बच्चे अपने नित्य क्रिया के कामों में जुटे रहते, उसी बीच ये हिरण का बच्चा सारे कमरों में घूमती टहलती और उसी में उनके अपने कामों के बाद भी इसके लिए समय निकाल देते। कोई छात्रा उन्हें उसे टीका लगाती, कोई प्रसाद खिला देता, कोई कुछ करता, कोई कुछ करता। इस तरह वो उनकी दोस्त बनी और उनके बीच रहने लगी। बच्चों, इसके बाद का भाग मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी, तब तक आप इतना पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।